के बाहर एक फकीर बैठा था। झोपड़ी में बैठा हुआ फकीर, शाम का समय था और अचानक अंधेरे की शुरुआत तो उसके पहले उसने एक परछाई देखी। हवा में कोई आदमी नहीं और परछाई, हाथ फैलाया और किसी व्यक्ति उसके हाथ में आ गई। कौन हो, कहां जा रहे हो? उस आदमी ने कहा कि मैं यमराज हूं और मैं इस गांव में जा रहा हूं। अच्छा, यमराज हो तो किसी को उठाने के लिए जाने वाले होंगे ना? हाँ, मैं किसी को उठाने के लिए। कितने को उठाने वाले? उसने कहा, एक हफ्ते में मैं 500 को उठाने वाला हूं। फकीर नाराज हो गया, लेकिन यमराज के आगे उसका कोई चलने वाला नहीं था। यमराज चला गया। फकीर दिन गिनता रहा और आश्चर्य में पड़ता रहा। आदमी ने कहा था मैं 500 को उठाऊंगा, आज सुबह समाचार आए सो गए, शाम को समाचार आए तो सो गए, परसों कल समाचार आए और 300 गए, शाम को और 400 चले गए, हफ्ते में तो पूरे 5000 चले, पूरे 5000। और एक हफ्ता पूरा हुआ, वही शाम का समय, वही फकीर झोपड़ी के बाहर, और उसी समय वापस एक परछाई दिखाई दी। फकीर ने पकड़ लिया। कौन, यमराज? हाँ जी। क्या झूठ? आपने कहा था मैं 500 को उड़ाऊंगा और 5000 को उड़ा दिया। बोलना था तो पहले से बोल देना चाहिए नहीं कि मैं 5000 को उड़ाने वाला हूं, आप झूठ क्यों बोले? सुनना ध्यान से, यमराज ने कहा मैंने तो सिर्फ 500 को ही उड़ाया। गलत बात, मेरे पास सुबह दोपहर शाम के रोज के न्यूज आते थे, सुबह इतने, दोपहर इतने, शाम इतने, टोटल 5000। तब यमराज ने कहा फकीर जी जरा गौर से सुनिए, ध्यान से सुनिए, मैंने तो सिर्फ 500 को उड़ाए हैं, तो बाकी के 4500 कैसे मर गए? वो डर से मर गए, वो डर से मर गए, मैंने मारा नहीं, वो मृत्यु के डर से मर गए। याद रखना एक सूत्र, जो डर गया वो कोरोना में जितना मरया, हूँ कही सकू 40% कदाच कोरोना थी मरिया से, 60% कोरोना ना डर थी मरी गया। मारा करता तमारी पासे आंकड़ा वधारेश। आ सभा में बैठेला ने एक एक ने पूछू, बोलो 20-20 व्यक्ति एवी छे के नहीं तमारी पासे जेने तमे ओळखता था, जेनी साथे तमे बेसता था, तेनी साथे तमे करेक नाश्ता पाणी कर्या था, ये आजे परलोक मां चाली गई। आवा 20 ने एक एक व्यक्ति ओळखे छे के नथी ओळखती? आ 20 माथी कदाच 5 व्यक्ति एवी छे कोरोना थी गई, 15 व्यक्ति एवी छे ये कोरोना ना डर। याद रखो।